कुशीनगर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रामकोला थाना क्षेत्र के सपहा दहाड़ टोले के 20 घरों में मकान बिकाऊ होने का पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया है। सोमवार शाम सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। देर रात 9 बजे गांव में पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लोगों ने प्रधान प्रतिनिधि के उत्पीड़न से तंग आकर मकान बेचने की बात पुलिस को बताई। देर रात तक पुलिस लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने में जुटी रही। सपहा के दहाड़ टोले में अनुसूचित जाति के अधिकांश लोगों का मकान है। सोमवार को गांव के ओम प्रकाश, राजा राम, मनोज, जय प्रकाश, राम प्रवेश, राम सूरत, राम सकल, रामाश्रय सहित 20 लोगों के मकान पर यह मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाकर लोगों ने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मकान बिकाऊ वाले पोस्टर पर प्रधान प्रतिनिधि पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने गांव छोड़ने की बात लिखी है। चस्पा पोस्टर पर दो समुदायों का मामला सामने आने पर देर रात पुलिस फोर्स गांव में पहुंच गई। एएसपी रितेश कुमार सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया। गांव के लोगों का आरोप है कि अनुसूचित जाति की आबादी की भूमि पर प्रधान प्रतिनिधि ने जबरन पानी की टंकी बनवाने का प्रस्ताव तैयार करा दिया है। विरोध जताने पर प्रधान प्रतिनिधि ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। प्रधान प्रतिनिधि के उत्पीड़न से तंग आकर ही लोगों ने मकान बेचने का फैसला लिया है। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि महफूज खान ने कहा कि गांव में पानी की टंकी स्वीकृत हुई है। इसका निर्माण कराने के लिए पहले से जगह चिन्हित है। 20 दिन पूर्व तहसील प्रशासन ने चिन्हित जगह से अतिक्रमण हटवाया था। मामले को राजनीतिक तूल देने के लिए यह हरकत की जा रही है। इस संबंध में एएसपी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से बातचीत करके इसका हल निकाला जाएगा। गांव का माहौल खराब करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी।